हेलो व्यूवर, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ये 0.5 कैटेगरी डिस्कस किया था, लाइव कन्वर्सेशन और बॉन्ड, तो इसके बाद जब 2000 कॉल लेते हो आप तो एक नया कैटेगरी ओपन हो जाती है, वो है रीज़न फॉर आउट बॉन्ड। ठीक हो गया। अभी आप इसमें देखें, इसमें चार ऑप्शन है, ठीक है, उसमें तीन ऑप्शन थे, इसमें चार ऑप्शन है। अब देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डिस्कस हुई बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग और टेस्ट ड्राइंग की बातें डिस्कस हो गई ना एजेंट ने कस्टमर से की ये बातें, तो फिर कौन से ऑप्शन में आएगा? वो एक नंबर में आएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी ली है, उसकी कागजात या उसकी चाबियां या कोई ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी ली है तो उसने बोला कि कंग्रेट्स ऑन योर फर्स्ट एनिवर्सरी, या मतलब उसके एक साल हो गया, मतलब कोई भी प्रीवियस परचेज या जनरल डिस्कशन के लिए कॉल किया, तो वो कौन से में आएगा? वो सेकंड में आएगा। फिर इसके बाद है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन उधर इस्तेमाल होगा कि अगर एजेंट ने कंफर्म किया या कोई चेंज किया अपॉइंटमेंट की, ठीक है, कोई भी अपॉइंटमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बोला कि आपने 3 बजे आज आना है, उसने बोला नहीं आना है, आना है, नहीं आना है, कोई भी उसने बात की, उससे हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन अगर एजेंट ने बोला कि आपने आपका अपॉइंटमेंट है या नहीं है, तो अगर उसके बारे में बात की एजेंट ने अपॉइंटमेंट के बारे में, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। और जो हमारे पिछली कैटेगरी में जो आखिरी दो ऑप्शन थे ना, एक था लेफ्ट अ मैसेज और इसके अलावा आखिरी मैसेज था ना, आखिरी ऑप्शन था वो था कि नॉट राइट पर्सन, तो वो दोनों कैटेगरी मतलब जो जो वहाँ इस्तेमाल हो रहे थे वो दोनों कैटेगरी इधर चार नंबर पे लागू होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेफ्ट अ मैसेज हो गया तो वो कौन से में आएगा? ये वो फोर नंबर में आएगा, सही हो गया। और अगर नॉट राइट पर्सन है तो फिर भी फोर नंबर पे आएगा, सही है। फिर इसके अलावा अनफेमिलियर लैंग्वेज है, अगर कोई भी लैंग्वेज या कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रहे तो वो अनफेमिलियर में आएगा, ठीक है। ये आप इधर से भी देख सकते हो, देखो कनेक्टेड में ये आ रहा है, नॉट कनेक्टेड, वन साइड कॉल, एजेंट रीज़न, ठीक है। ये देखो, ये ऑप्शन है, इधर से आप ना डिटेल में देख सकते हो कि येस में कौन कौन से आएगा। फिर इसके अलावा नो फॉलो अप और प्रीवियस, ठीक है। फिर इसके अलावा थर्ड और फोर्थ। तो ये हमारा इधर ये कैटेगरी ख़त्म हो गई। फिर इसके अलावा ये सर्विस सेटर एक नया कैटेगरी आई है जो बहुत अच्छी है, इसके बाद हम इसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करें कि आउटबाउंड पर ही रहिए, क्योंकि अगर इनबाउंड और आउटबाउंड मिक्स होगा ना तो फिर आपको थोड़ा सा मसला होगा, सही है। मसला ये होगा कि इनबाउंड में ये होता है कि कस्टमर एजेंट को कॉल करता है, कोई कंपनी को कॉल करता है, और आउटबाउंड में ये होता है कि एजेंट ना कस्टमर को कॉल कर रहा है, तो उसमें थोड़ी सी ना बंदे को कंफ्यूजन रहती है। तो फिर अगर फ्रेश आईडी है और आप भी फ्रेश है तो फिर थोड़ा सा मसला होगा। तो इससे अच्छा है आउटबाउंड पे पहले से बिल्कुल बंदा एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर ले, तो फिर उसके बाद इनबाउंड हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में।